dear students, how are you? I hope you all are well. Now let's start your 6th chapter, and your chapter name is food and shelter for animals, yani ki bhojan aur janwaron ke rehne ka ghar, yani ashray hai na, jahan pe jo bhi janwar alag alag tarah ke different kinds of animals rehte hain, उन जगहों के बारे में और उन चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. यू विल लर्न अबाउट फूड दैट एनिमल्स ईट, यानी कि भोजन जो जानवर खाते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है होम्स दैट एनिमल्स लिव इन, और घर जिसमें जानवर रहते हैं. तो इन्हीं जो मेन टॉपिक्स है इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका ये 6th चैप्टर. ओके, और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ना. इसमें हम लोग जानेंगे कि जो भी हमारे आसपास डॉग्स, कैट्स, काउज, ये सभी के सभी रहते हैं, ये खाते क्या हैं और ये रहते कहाँ हैं. ओके, तो यहाँ पे आइए स्टार्ट करते हैं आपका ये चैप्टर. कह रहे हैं कि ऑल एनिमल्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो, है ना, यानी कि जितने भी जानवर हैं सबको भोजन की ज़रूरत होती है, या फिर यहाँ पे जो है रहने के लिए या फिर उनको बढ़ने के लिए, है ना, दोनों ही चीज़ों के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो फूड की. ओके, जिस तरीके से हम इंसानों को जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, हमको भी जब भूख लगती है यानी जैसे ही तो हम लोग खाना खाते हैं, वो इसलिए होता है ताकि हम जीवित रह सकें और जो है हमारे अंदर ग्रोथ हो सके, बढ़ सके हम लोगों के. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, और यहाँ पे कह रहा है कि ये जो जानवर होते हैं ये अपने भोजन के लिए और अपने घरों के लिए, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जो है घूमते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं कहाँ इनके रहने लायक जगह मिलेगी, कहाँ इनके खाने लायक जो भी ये पत्ते खाते हों या फिर फल खाते हों या फिर कोई भी मांस खाते हो, तो उनको ये जो है ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ये घूमते रहते हैं. ओके, लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड सर्कल ऑल द एनिमल दैट हैव बीन गिवन द रॉन्ग फूड. यहाँ पे कह रहा है कि आप जो नीचे फिगर दिया गया है आप उसको देखिए, और यहाँ पे जो भी बच्चे जो भी यहाँ पे एनिमल्स हैं वो गलत भोजन खा रहे हैं, उनको वो नहीं खाना चाहिए, वो दूसरा चीज़ खाते हैं, तो उसको आप लोग क्या करिए, यहाँ पे सर्कल करिए और बताइए कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं और ये चीज़ें सही हैं. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका ये पेज. तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देख रहे हैं गाय क्या कर रही है, दूध पी रही है, ठीक है ना, तो ये क्या है आपका गलत है, तो आप लोग इसको सर्कल कर देंगे. ओके, और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि डॉग ईट्स ग्रास, यहाँ पे देख सकते हो आप जो है ये जो है डॉग है वो घास खा रहा है. क्या आपने देखा है कभी कुत्ते को घास खाते हुए? नहीं ना, गोट जो है आपकी जो है घास खाती है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सर्कल कर देंगे, इसको सर्कल कर देंगे और इसको सर्कल कर देंगे, क्योंकि ये जो दोनों यहाँ पे दिखाया गया है ये रॉन्ग फूड आइटम्स है. नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो लॉयन है वो क्या कर रहा है, ये आपका जो है डियर का फ्लेश खा रहा है, तो ये बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल ऐसा जो है शेर करते हैं, ये शिकार करते हैं इन हिरन का, डियर्स का, और वो उसको अपना भोजन बनाते हैं. ओके, तो इस तरीके से ये आपके बुक का फर्स्ट पेज था. चलते हैं हम लोग आपके सेकंड पेज पे, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा आपका सेकेंड पेज, और इसका जो टॉपिक है वो है फूड दैट एनिमल्स ईट, है ना, यानी कि भोजन जो जानवर खाते हैं. ओके, तो आप देख सकते हो फिगर में भी बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके से यहाँ पे सभी के सभी जो है चौपाए हैं, जिनके चार पैर हैं, ये सभी के सभी चर रहे हैं, घास खा रहे हैं, अपना भोजन कर रहे हैं. ओके, और तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कह रहे हैं कि एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, है ना, जानवर अलग अलग प्रकार के भोजन को खाते हैं. ओके, एनिमल्स सच एज काउज एंड हॉर्सेज ईट प्लांट्स, और जानवर जैसे कि आपका गाय और घोड़े ये क्या करते हैं, ये पौधों को खाते हैं. ओके, तो आप फिगर में भी देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से दिखाया गया है ये क्या खा रहे हैं, तो ये घास खा रहे हैं. ओके, काउ एंड हॉर्सेज, यहाँ पे आपको घोड़े और गायों को यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है. ओके, नेक्स्ट उसके बाद से चलते हैं हम लोग अगले पैराग्राफ में. यहाँ पे देख सकते हो आप फिगर में यहाँ पे मुर्गियाँ कैसे दाने चुग चुग के खा रही हैं ना, तो इनका ये भोजन होता है. ठीक है, एनिमल सच एज हेंस एंड स्क्वायरल ईट सीड्स, और यहाँ पे कह रहे कि जानवर जैसे कि आपकी मुर्गी और गिलहरी, आप लोगों ने देखा भी होगा बिल्कुल कितने सुंदर तरीके से वो लोग खाते हैं दाने को, है ना, इनके छोटे छोटे उनके दांत होते हैं, उसी से वो कुतर कुतर के और या फिर दानों को चुन चुन के खाते हैं ये जानवर. ओके, आपके हेंस और स्क्वायरल यानी कि मुर्गी और गिलहरी. ओके,
ये सीड्स खाते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट उसके बाद से हम लोग यहाँ पे चलते हैं अगले पैरा में। आप यहाँ पे देख सकते हो कह रहे कि एनिमल्स सच एज लिजार्ड एंड बर्ड्स सच एज हुप्पू एंड वुडपेकर ईट इंसेक्ट एंड वॉर्म्स। यहाँ पे कह रहे कि जानवर जैसे कि आपकी छिपकली हो गई, चिड़िया हो गया, या फिर एक हुप्पू एक बर्ड होता है और ये वुडपेकर होता है, ये सभी के सभी क्या करते हैं, ये कीड़े और यहाँ पे जो है वॉर्म्स होते हैं, चारा टाइप का मिट्टी में होता है, ये सभी जो है उसी को खाते हैं। फिगर में भी आप देख सकते हो और यहाँ पे रियल लाइफ में भी हम लोग अक्सर देखते रहते हैं किस तरीके से जो है जो आपकी छिपकली है दीवारों पे, जैसे ही उसको कोई भी छोटा छोटा कीड़ा दिखाई देता है फटाफट दौड़ जाती है उसके लिए, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सभी के सभी इंसेक्ट को खाते हैं। नेक्स्ट उसके अगला पैरा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो, कह रहे हैं कि एनिमल्स सच एज लॉयन टाइगर एंड ईगल इट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। ओके, जानवर जैसे कि शेर चीता बाज ये सभी के सभी दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं। ओके, ये होते हैं आपके कॉर्निवोरस यानी कि मांसाहारी होते हैं, ठीक है ना। तो और ये क्या करते हैं, ये दूसरे एनिमल्स के फ्लेश को खाते हैं। और यहाँ पे भी कुछ दिया गया है, कह रहे हैं कि जो आपका मेढक होता है ना, ए फ्रॉग हैज लॉन्ग स्टिकी टंग रोल्ड अप इनसाइड इट्स माउथ, व्हेन इट स्पॉट एन इंसेक्ट इट पुट आउट इट्स लॉन्ग टंग टू कैच द इंसेक्ट। जो आपका मेढक होता है ना वो क्या करता है, मेढक के पास एक बहुत ही लंबा चिपचिपा टाइप का जो है जीभ होता है जिसको वो अपने माउथ के अंदर ही रोल करके रखा रहता है, और जैसे ही उसको कहीं उसको अपना शिकार दिखता है यानी छोटा मोटा कीड़ा दिखाई देता है फटाफट अपने जीभ को वो लंबा करता है और तुरंत जो है कीड़ों को ग्रैब करके खा लेता है। तो इस तरीके से वो अपना भोजन जो है ले लेता है। नेक्स्ट उसके बाद से चलते हैं हम लोग अगले पेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कह रहे कि एनिमल्स सच एज क्रोज एंड बियर्स ईट बोथ प्लांट इन द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, है ना। और यहाँ पे कह रहे कि जानवर जैसे कि क्रोज यानी कि कौए भालू ये दोनों के दोनों ये जो भी जानवर है ये मांस भी खाते हैं और ये दूसरे जानवरों को भी खाते हैं, है ना। यानी कि ये क्या होते हैं, ओमनीवोरस यानी कि सर्वाहारी, ठीक है ना। ये जो है आपकी हरी पत्तियों को भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। यहाँ पे फिगर में भी आप देख सकते हो क्रो है ये और यहाँ पे ये बियर है। अब हम लोग चलते हैं अगला जो यहाँ पे लेट्स रिमेंबर बॉक्स में कुछ दिया गया है, यहाँ पे इसको फिलअप करते हैं। पहला यहाँ पे दिख रहा होगा आपको काऊ, ठीक है ना। तो काऊ जो है क्या खाता है, ग्रास। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले को हम लोग मिला देंगे सी से। दूसरा है आपका हेन, हेन क्या खाती है, तो सीड्स, इसको मिला देंगे हम लोग जो है ए से। और लिजर्ड, लिजर्ड क्या करता है, तो ये जो है आपको इंसेक्ट खाता है तो इसलिए हमको हम इसको मिला देंगे इंसेक्ट से। और अगला यहाँ पे फोर्थ आपको दिखा रहे होगा टाइगर, टाइगर क्या करता है, ये फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स यानी कि दूसरे जानवरों के मांस को खाता है, तो हम लोग इसको मिला देंगे मैच कर देंगे बी से। और यहाँ पे आपको फिफ्थ दिखाई दे रहा होगा बियर, बियर को हम लोग मिला देंगे बोथ प्लांट्स एंड एनिमल यानी कि जो भी आपके बियर होते हैं वो जानवर और पौधे दोनों का दोनों को ही क्या करते हैं, खाते हैं।